गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याओं के योग और घटाने पर प्रगुण, यानी योग और घटाने के साथ नियम। आज हम वही नियम पूर्ण संख्याओं के गुणांक के प्रगुण पर, यानी गुणा संक्रिया है उस पर प्रगुण के नियमों को अध्ययन करेंगे, गुणा और भाग। पहले हम बात करते हैं गुणा, यानी सबसे पहला है आपका समवर्ग नियम। सबसे पहला है समवर्ग नियम। समवर्ग नियम में मैंने ये बताया था कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, या पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, या पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं, तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे गुणा में तीन गुणा आठ, तीन भी पूर्ण संख्या है, आठ भी पूर्ण संख्या है, और जब पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, चौबीस। और चौबीस भी कैसी संख्या है, ये चौबीस भी क्या है, पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। यानी संवर्ग नियम के अंतर्गत, संवर्ग नियम के अंतर्गत जोड़ने घटाने भाग करने गुणा करने में किन पर यह संवर्ग नियम लागू होता है। देखो, जोड़ने और गुणा करने पर संवर्ग नियम लागू होता है, पर घटाने और भाग करने पर संवर्ग नियम लागू नहीं होता है। जो क्रिया जोड़ने पर लागू होगी वो घटाने पर नहीं होगी, जो क्रिया गुणा करने पर लागू होगी वो भाग करने पर नहीं होगी। हमेशा याद रखना एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये उसका अगर गुणा में है वो भाग में उसका उल्टा होगा। ठीक है, संवर्ग नियम यानी तीन गुणा आठ, तीन गुणा आठ ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और चौबीस आया तो चौबीस भी पूर्ण संख्या है। तो इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यानी संख्याओं के क्रम में परिवर्तन कर देने पर क्या उनके गुणनफल में भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी लिया पांच गुणा छ, पांच गुणा छ कितना आएगा, पांच गुणा छ बराबर तीस। इसके अलावा मैं करता हूं क्रम चेंज कर रहा हूं, संख्याओं का क्रम चेंज किया, छह गुणा पांच तब भी क्या आया, तीस, तब भी क्या आया, तीस। यानी संख्याओं के गुणा चेंज कर देता हूं, संख्याओं के जो संख्याओं का क्रम है उसको चेंज कर देते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांच के तीस, इधर भी पांच, छह क्रम बदल दिया, छह पंजे तीस, यानी तीस। यानी ये और ये दोनों स्थिति में समान है, इसलिए कहते हैं क्रम विनिमय नियम भी इस पर गुणा की संक्रिया में लागू होता है। अब बात करते हैं शून्य से गुणा, शून्य से गुणा, शून्य से गुणा की बात करते हैं कि शून्य से गुणा का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी संख्या को हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे एक है, एक को शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी शून्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार कितनी भी कोई भी संख्या से उसको शून्य से गुणा कर देंगे तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। चाहे जैसे ले लीजिए, चाहे ले लीजिए सौ ले लीजिए, और सौ को शून्य से गुणा किया तो क्या आया, शून्य। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं गुणन का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी वह अवयव जिसको जोड़ने पर तो वही संख्या प्राप्त हो, गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, भाग करने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या जो होगी वो तत्समक अवयव कहलाएगी। अब मैंने आपको जोड़ में बताया था कि जोड़ में अगर किसी संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आठ प्लस जीरो बराबर आठ, यानी हर स्थिति में क्या प्राप्त होगा आपको, आठ ही प्राप्त होगा। चाहे किसी प्रकार से, चाहे शून्य को जीरो में जोड़ दीजिए, चाहे जीरो को शून्य में जोड़ दीजिए, यानी कोई ऐसा ऐसी संख्या जिसको अब गुणा में बात करें तो कोई ऐसी संख्या जिसको हम जीरो, ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या में गुणा करें, किसी भी संख्या में गुणा करने से वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या
संख्या गुणन का तत्समक अवयव कहलाती है, वह संख्या गुणन का तत्समक अवयव कहलाती है। जैसे 8 × 1 = 8, ठीक है। एक को मैं किसी से भी गुणा कर दूं, एक को मैं किसी से भी गुणा कर दूं, तो एक से किसी भी संख्या को गुणा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम कह दें एक जो है, ये एक क्या है, तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव। ये एक जो है तत्समक अवयव है, यानी गुणन की जो क्रिया है संक्रिया में एक तत्समक अवयव, एक जो संख्या है, एक अंक है जो तत्समक अवयव का कारण करता है, ठीक है। और जोड़ में मैंने बताया था, जोड़ में तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो। जोड़ में क्या होता है? जीरो। क्या अगर जीरो को भी किसी भी संख्या में हम जोड़ते हैं, जीरो को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही एक को हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रकरण पर चलते हैं, साहचर्य में। साहचर्य में मैंने बताया था आपको कम से कम 3 संख्याएं लेते हैं और 3 संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, जैसे मैं बताता हूं इस तरीके से लिए, 2 × 3 × 2 या × 5, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। इसी को मैं इस तरीके से कर दूं, दूसरे तरीके से कर दूं, इसी को मैं दूसरे तरीके से कर दूं सर, लेकिन बोलता हूं पूरा आ रहा है तो कर लो, तो इस तरीके से पता चलेगा क्या दो, यानी दो को, यानी कैसे आया, दो को 3 से बड़ा, यानी पहले बोर्ड मास में हम देखते हैं कि बोर्ड मास में देख रहे हैं, बोर्ड मास में, बोर्ड मास में हम देखते हैं 2 × 6, पहले कोष्ठक सॉल्व करते हैं फिर संख्या सॉल्व करते हैं, 6 × 5 = 30। तो ऐसे करके यहाँ तीसरा है, अगर मैं इसी को क्रम चेंज कर दू, इसी को क्रम चेंज कर दू, मैं लिख दू इसको 2 × 3 × 5, तब भी क्या आएगा 30, क्या आएगा 2 × 15 = 30, क्या आएगा। तो यानी गुणा की जो संक्रिया है साहचर्य में भी लागू होता है, अगर संख्या 3 संख्याएं और 3 संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए, 3 संख्याएं और 3 संख्या में पहली 2 संख्याओं के गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा कर दें, या पहली संख्या का गुणा दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल में कर दें तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी ही बात करते हैं योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम जैसे 2 × 2 × 8 + 5, ठीक है। तो 2 × 8 + 5 यानी इस 2 का इन दोनों को जोड़ दें, क्या करते हैं मैं जोड़ देता हूं, यानी इन दोनों को जोड़ दूं, 13 × 13 = 26, इस तरीके से कर दूं 2 × 13 = 26 आता है। और इसको मैं इस तरीके से भी कर दूं कि 2 × 8 + 2 × 5 = 26, क्योंकि 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा मेरे पास 26। तो ये होता है मेरा योग का वितरण। ऐसे ही घटाने की प्रक्रिया पहले से नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए घटाने में भी इसी प्रकार से चलेगा। घटाने में भी मैं अगर बात करता हूं, मैं ऊपर से एक घटाने के लिए भी बात करता हूं, पहले से नोट डाउन कर लीजिए, मैं घटाने का बताता हूं समझो।
घटाने के बताते हैं, यानी घटाने में क्या होता है, घटाने के नियम में देखिए घटाने का विस्तरण नियम मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, यानी दो गुणा आठ माइनस पांच कितना आएगा छह, यही आएगा। और यार मैं इसको इस तरीके से कर दूं, ये हो गया मेरा दो गुणा तीन बराबर छह, यही होगा। और इसको मैं इस तरीके से कर दूं, दो गुणा वितरण नियम से दो गुणा आठ माइनस दो गुणा पांच, तो दो आठ सोलह, दो पंजे दस बराबर छह, यानी इसमें और इसमें इन दोनों में कोई चेंज आया नहीं है। इस प्रकार घटाने का भी वितरण नियम लागू होता है, ठीक है। अब ये सारे नियम जो गणित की संक्रियाएं हैं, गणित की संक्रियाएं उन सभी पर ये इनका विपरीत प्रभाव होता है, यानी गुणा में लागू होंगे तो गुणा में लागू होंगे तो गणित में ये लागू नहीं है। नोट कर लीजिए, बात कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या या कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर जिन जिन लोगों के पास है वो उसमें व्हाट्सएप करके मुझे पर्सनल बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी इफ जो चैप्टर संबंधित समस्या है आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।